करीबन 34 बसों की आवाजाही प्रतिदिन भिवानी से दिल्ली के लिए होती है। उसमें तो शाम सब डिपो की बसें भी आती हैं, उसमें लोहारू सब डिपो की बसें भी आती हैं और जो भिवानी मुख्य डिपो है उसकी बसें भी आती हैं, लेकिन फिलहाल ये काउंटर जो है सूना है और लगातार 6 दिन से यही स्थिति है। बसें जरूर जा रही हैं लेकिन पूरे तौर पर नहीं जा रही, दिल्ली नहीं जा रही है बसें। बसें महज और महज बहादुरगढ़ तक जाती हैं क्योंकि आगे टिकरी बोर्ड पर पूरी तरह से बॉर्डर को सील किया गया है। हरियाणा पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेज की बात करें, तमाम सुरक्षा बलों की बात करें, उनको वहां पर जुटाया गया है। बाकायदा मल्टी लेयर बैरिकेडिंग वहां पर की गई है। ऐसे में जिन यात्रियों को भिवानी से दिल्ली जाना होता है या फिर यूं कहिएगा कि कहीं से भी हरियाणा के किसी हिस्से से, खासतौर पर भिवानी, हिसार, सिरसा, बठिंडा, अगर बात करें डबवाली की, इन तमाम इलाकों से अगर किसी शख्स को दिल्ली जाना होता है या फिर बात उसके अलग करें चंडीगढ़ साइड से किसी को दिल्ली आना होता है तो वो दिल्ली तक पूरे तौर पर नहीं पहुंच पाता है, बल्कि एक तरफ कुंडली और सिंघू बॉर्डर पर और दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर पर बसों को थाम दिया जाता है, बसें वहीं तक जाती हैं। ऐसे में यात्री तो परेशान हैं ही, राज्य परिवहन को भी कहीं ना कहीं इसका घाटा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अधिकारी नहीं मानते कि कोई घाटा हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो बसें सीधी जाएंगी और वहां से सवारियों को लेकर सीधे तौर पर आएंगी तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू तो बढ़ता ही है, लेकिन अब यात्रियों की इंतजार करनी पड़ती है। यात्री भी यदा कदा यत्र तत्र जैसे करके अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और वहां से आते हैं, चाहे मेट्रो की बात करें या फिर टैक्सी की या कैब की बात करें, उनके जरिए वो आते हैं। ऐसे में अब चूंकि जब तक बॉर्डर जाम है, जब तक बॉर्डर पर पंजाब के लोग बैठे हैं, तब तक उम्मीद नहीं की जा सकती है कि इन बसों की आवाजाही पूर्ण तौर पर शुरू होगी। बहरहाल स्थिति यह है कि छठवां दिन और छठे दिन भी यही आलम है कि बसों की आवाजाही दिल्ली तक नहीं हो रही है। ऐसे में लोग बेहद परेशान हैं। भिवानी के बस अड्डे से सहयोगी सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।